तो प्रारब्ध अगर अनुकूल भी है तो उसको उससे प्रकट करने के लिए अनुकूल पौरुष या प्रयत्न की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर प्रयत्न किया गया तो प्रारब्ध की दिशा भी बदल सकती है। उदाहरण के लिए परशुराम जी का जन्म तो एक पीढ़ी पहले हो जाना चाहिए था शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि क्षत्रियोचित चरु से उनकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन ब्राह्मणी के गर्भ से। लेकिन जब जो परशुराम जी की माता होने वाली थी उनको पता चला कि उनकी बेटी की करामात से क्षत्रियोचित चरु का सेवन उन्होंने कर लिया है, तो उनके पतिदेव ने कहा कि बहुत उग्र क्षत्रियोचित स्वभाव वाला तुम्हारा पुत्र होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अब तो तुमने चरु का भक्षण कर लिया सेवन, तो चलो तुम्हारा पुत्र नहीं पोता होगा, पौत्र होगा। एक पीढ़ी के लिए प्रारब्ध को टाल दिया। तो ऋषि मुनियों में वो क्षमता होती थी कि जैसे कोई उल्का इत्यादि गिरने की संभावना हो तो वैज्ञानिक लोग प्रयास करते हैं कि नभोमंडल में ही वो क्षत विक्षत हो जाए, कदाचित गिरे ही तो मरुस्थल में या सागर में गिर पड़े। इसी प्रकार से प्रतिकूल प्रारब्ध को भी दिशा देने की क्षमता जो प्रारब्ध के रहस्य को जानने वाले हैं उनमें होती है। अंत